नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि शुक्र ग्रह के शुभ और अशुभ प्रभाव। कहते हैं जीवन में जीने की कला दिखाता है तो शुक्र दिखाता है। शुक्र का मतलब सुंदरता, शुक्र का मतलब एक आकर्षण शक्ति और कामुकता से भी इसको हम जोड़ते हैं, लग्जरी लाइफ से भी जोड़ते हैं। अगर जीवन देखें, अगर जिसका शुक्र मजबूत हो तो जीवन में वो लग्जरी की तरफ भागता है और अच्छे सुखों की कामना करता है। तो दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखें, इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहली हमारी ये जीवन रेखा। जीवन रेखा हमारे जीने के एक एक अंदाज के बारे में बताती है। इसी प्रकार से मस्तिष्क रेखा, मस्तिष्क रेखा हमारे मन के गहराइयों के बारे में बताती है। और इसी प्रकार से हृदय रेखा एक प्रेम संबंध के बारे में बताती है। सबसे पहले मैंने बात की थी आज शुक्र पर्वत के ऊपर होने वाले बनने वाले शुभ चिन्ह और उसके प्रभाव। देखिए जीवन में शुक्र की कला हर एक इंसान को मैरिज लाइफ के बाद ही मिलता है। मैरिज का जो आनंद है, कहते हम घर में पानी पीने से लेके आराम की जितनी भी चीजें हैं वो जीवन में सुखों का जो आनंद देती है तो वो शुक्र के ही पर्वत से देखते हैं। शुक्र कैसा है, अच्छा है तो आपको बेहतर लाइफ में सफलता मिलती है, जीवन जीने की कला मिलती है, जीवन जीने का सुख जीने का कला सिखा देती है। और जिसका शुक्र मजबूत होता है तो आकर्षण शक्ति भी पैदा कर देता है। एक दूसरों को सम्मोहन की बात करते हैं, एक दूसरों के आकर्षण की बात करते हैं। जब भी हम देखें तो शुक्र के पर्वत से ही देखेंगे। आपने देखा है होगा कि एक दूसरे के साथ कैसे अटैचमेंट हो जाते हैं, तो उनका देखें तो कहीं ना कहीं शुक्र का पर्वत और मंगल का पर्वत अगर अच्छे अवस्था में है तो एक दूसरे को खींचने में, एक दूसरे को आकर्षण करने में काफी सहायक होते हैं। इसी प्रकार से अगर देखते हैं आपके लाइफ में शुक्र जितना अच्छा होगा उतना इंसान की ख्वाहिशें बढ़ती है, उतना जीने की कला की तरफ भागता है, उतना लग्जरियस लाइफ की तरफ भागता है, उतना सुखों की कामना भी करता है। कहते हैं कि यही शुक्र सुंदरता, सुंदरता आती है इंसान को तो जीने की कला सिखा देती है। अगर यहां पर हमारे शुक्र के माउंट के ऊपर एक स्टार बन जाए, स्टार बन जाए, चाहे स्त्री के हाथ में हो चाहे पुरुष के हाथ में हो, स्टार यहां पर क्या करता है, शुक्र के गुणों को बढ़ाता है, आकर्षित कर देता है, मनमुग्ध कर देता है, एक दूसरे की तरफ खींचा चला जाता है। और ऐसे लोगों को एक बार नहीं कई बार लाइफ में होता है, एक दूसरे का संबंध बन जाता है। और यह संबंध ज्यादा दिनों तक तो नहीं बनता है, लेकिन लाइफ में एक दूसरे के अटैचमेंट, एक दूसरे के करीब खींच लाता है। अगर ये शुक्र का पर्वत भी मजबूत है तो इसके गुणों को बढ़ाएगा और एक दूसरे को करीब लाएगा। इसी प्रकार से लग्जरियस लाइफ की बात होगी, जब एक शुक्र के पर्वत के ऊपर आड़ी रेखाएं, ऐसी आड़ी रेखाएं मजबूत हो, अस्पष्ट हो और इसके ऊपर कोई जाल ना हो, तो ऐसे लोगों को जो जीवन जीने की कला होती है वो लग्जरियस की तरफ भागते हैं। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे खाने की रखना ख्वाहिश, और अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमना, मतलब इनका जो सुख सुविधा है वो हाई फाई होता है, क्योंकि इनको छोटी मोटी चीजों पे इनका जो मन है खुश नहीं होता, तसल्ली नहीं होती हम कह सकते हैं इनको, क्योंकि इनको चाहिए अच्छी क्वालिटी, अच्छी चीजें, अच्छा सब कुछ चाहिए। ये लग्जरियस लाइफ को देती है। अगर ये जितनी बड़ी रेखा होगी और लंबी मोटी होगी, ऐसे लोगों को जीवन में सुखों का सुख भी मिल जाता है, लग्जरियस लाइफ जीने की कला भी मिल जाती है। और इसी के साथ अगर देखें हम इसी शुक्र के पर्वत के ऊपर, यहां पर
वर्गाकार। जीवन जीने की कला तो उसी को आती है जिसका अपना सब कुछ हो, जिस इंसान का अपना घर परिवार अच्छा सुखों में बीतता है तो उसी को सुख कहते हैं और वही सुख की तरफ भागता भी है। अगर देखिए वर्गाकार यहां पे बनता है तो ऐसे लोगों को देखिए तो बड़े घर में रहने का सौभाग्य मिलता है। अगर इसी शुक्र के माउंट के ऊपर एक से अधिक वर्गाकार बनता है, ऐसे लोगों को जीवन में अपने खुद की एक से अधिक प्रॉपर्टियां होती है और जीवन जीने का सुख का आनंद भी लेते हैं। और इसी के ऊपर अगर हम देखें, कई बार आपने देखा होगा कि हाथ का जो हमारे कलर है कुछ सेब लिए हुए तो जैसे यहाँ पे हरे रंग की एक लाइन आ जाए, ये लाइन ये ज्यादातर लेडीज के हाथों में देखे जाते हैं। लेडीज के हाथ में अगर ये लाइनें आती हैं तो उनको देखें इंटरनल पार्ट में प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कहते हैं कि सफेद पानी गिरना या इंटरनल प्रॉब्लम को दिखाता है यहाँ पे, अगर हाथ में उनके नीले रंग का एक लाइनें बनती है। इसी प्रकार से अगर पुरुष के हाथ में भी ऐसी चीजें हो, ये पुरुष के हाथ में काले रंग का हो, जितना बड़ा होगा उतने बड़े संकेत को दिखाता है, इंटरनल पार्ट में कमी दिखाता है। उस कमी को अगर इलाज किया जाता ठीक हो जाता, नहीं तो इंटरनल पार्ट को वीक कर देता है। और इसी प्रकार से अगर देखें तो कई बार अपने जीवन में सब कुछ मिला है लेकिन अनुभव करते हैं कि हम एक बंधन में पड़े हैं, एक जकड़न में महसूस करते हैं, तो वो चिन्ह होता है आपके हाथ में ऐसी छोटी छोटी रेखाएं, अगर आपके शुक्र के माउंट के ऊपर बनती है तो ऐसे लोगों को एक जीवन में सब कुछ मिलने के बावजूद भी वो अपने आप को एक जकड़न में महसूस करते हैं, एक बंधन में महसूस करते हैं। और इसका भी इलाज हो जाता है, कुछ उपाय है, उपाय के माध्यम से इसको किया जा सकता है। और इसी प्रकार से अगर देखे कई बार लोग जब सुखी परिवार में होते हैं, धनी परिवार में होते हैं, ये सारी चीजें आपने देखा होगा कि लॉटरी और सट्टे भी डालने की आदत पड़ती है, तो हाथ में हमारी वो शुक्र के ही माउंट पे मिलती है। अगर यहां पर ये छोटी छोटी लाइनें ऐसी आई, ये छोटी छोटी, ये शुक्र के, ये शेर सट्टा या शेर सट्टे को हम इसको नाम देते हैं कि ऐसे लोगों को शेर सट्टे में काफी गेन भी मिलता है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।